नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथिया। तो आज हम बात करेंगे जम्मू की वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों के बारे में। हाल ही में जम्मू में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, जिसने सुरक्षा तंत्र में कई महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकता को जन्म दिया है। तो चलिए जानते हैं कि सुरक्षा बलों द्वारा इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा रहा है। 19 जून को दो आतंकवादियों को सेना ने कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में मार गिराया। ये आतंकवादी पाकिस्तान से रजौरी पुंछ क्षेत्र में घुसे थे और पिछले साल थाना मंडी में 4 सैनिकों की हत्या में शामिल थे। 5 अगस्त 2019 के बाद जब राज्य की विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे 2 केंद्रीय शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, सुरक्षा तंत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जम्मू में हालिया आतंकवादी घटनाएं इस बदलाव की जटिलता को दर्शाती है। 2021 में सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन की चुनौती के बाद जम्मू से कुछ सैनिकों को वहां स्थानांतरित कर दिया, जिससे जम्मू में एक सुरक्षा कृति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति को बनने के लिए अब 3000 सैनिक और 2000 BSF कर्मियों को पुनः तैनात किया गया है। तो हम बात करेंगे इंटेलिजेंसी एंड लोकल स्पोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4300 ऐसे लोगों की पहचान की है जो जम्मू से पाकिस्तान जाकर बस गए थे। इनमें से 400 से 500 लोग पाकिस्तान के दबाव में स्थानीय आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर हैं। तब हम बात करेंगे चाइनाज इनडायरेक्ट रोल। कुछ अधिकारियों का मानना है कि जम्मू में आतंकवादी गतिविधियों में चीन का परोक्ष योगदान हो सकता है, जैसे कि दूरसंचार समर्थन और उपकरणों की आपूर्ति। सुरक्षा बलों के लिए ये एक कठिन चुनौती है, लेकिन वे इसे पूरी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमें धैर्य और प्रयास की आवश्यकता है। उम्मीद है कि समय के साथ ये सुरक्षा तंत्र और मजबूत होगा और जम्मू में शांति लौटेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।